जी हाँ दोस्तों, तो मैं आज आपको बहुत ही एक फॉर्मेटिव आज आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि रेट्रोफिटिंग और जैकेटिंग क्या होता है। रेट्रोफिटिंग जैकेटिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में जो हम रेट्रोफिटिंग करते हैं, जैकेटिंग करते हैं कॉलम्स की, बीम्स की, तो हम किस तरीके से करते हैं। साइड में आपके एक वीडियो डिस्प्ले हो रहा होगा, उसमें आप देख रहे होंगे कि दो तरह की जैकेटिंग है। एक तो TMT बार यानी कि जो स्टील हम लोग यूज़ करते हैं वो है 16 mm डाया, 10 डाया, 12 डाया, 8 डाया बार, इस तरह का जो है हम यूज़ करते हैं वो एक है। MS की भी जैकेटिंग होती है, माइल्ड स्टील की, जिसमें एंगल्स लगते हैं, प्लेट लगती है, MS का बेस प्लेट्स लगता है, एंगल लगते हैं। तो दो तरह की जैकेटिंग होती है कॉलम्स और बीम में, तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम जैकेटिंग करते हैं और उसका प्रोसीजर क्या है। आज मैं आपको कंप्लीट स्टेप बताने वाला हूँ स्टार्टिंग से एंडिंग तक। और उससे पहले ये बताने वाला हूँ कि जैकेटिंग और रेट्रोफिटिंग हम क्यों करते हैं। जैकेटिंग और रेट्रोफिटिंग करने का जो मेन पर्पस हमारा ये होता है कि पुरानी बिल्डिंग अगर है, जो 15 साल, 18 साल, 20 साल पुरानी बिल्डिंग है, और उसकी ताकत को, स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए हम करते हैं, या फिर अगर मान लीजिए आपका दो मंजिला बना हुआ, दो फ्लोर बना हुआ, आप चाह रहे हैं कि मैं तीसरा फ्लोर के तक बनाऊँ, ऊपर एक्सटेंड करूँ, तो उस केस में भी हम जैकेटिंग करते हैं कॉलम्स की। वो जैकेटिंग होती है, फुटिंग्स की भी जैकेटिंग होती है, कॉलम्स की भी होती है और बीम्स की भी होती है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि फुटिंग्स की, कॉलम्स की और बीम्स की, इन तीनों की जैकेटिंग हम कैसे करते हैं और जैकेटिंग का प्रोसीजर क्या, तरीका क्या, किस तरीके से जैकेटिंग होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फुटिंग्स, आप साइड में आपको वीडियो डिस्प्ले होगा, एक फुटिंग्स है, मान लीजिए ये फुटिंग काफ़ी पुराना है, मान लीजिए बहुत ओल्ड फुटिंग है ये, इस फुटिंग को 15 साल हो गए हैं। तो इस फुटिंग की जैकेटिंग करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारी ऑलरेडी पहले से फुटिंग है, उस फुटिंग में हम क्या करते हैं, हर जगह पे रिबारिंग करते हैं। रिबारिंग का मतलब ये है कि ड्राइंग्स में अगर 10 डाया का सरिया है या 12 डाया का सरिया है, जिस भी डाया का सरिया, उसमें हम ड्रिल करते हैं, इसको इसमें होल करते हैं, कम से कम फुटिंग में 6 इंच या 7 इंच के अंदर की तरफ इसमें हम ड्रिल करते हैं। फिर एरिया को हम पहले क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे, उसका ड्रिल करने के बाद इसके अंदर में हम गन से, एक गन आता है, उस गन से हम HILTI RE 500 यूज़ करते हैं। HILTI RE 500 एक केमिकल आता है, बॉन्डिंग केमिकल बोलते हैं इसको, HILTI RE 500 या फिशर भी केमिकल आप यूज़ कर सकते हैं, फिशर केमिकल भी अच्छा होता है, फिशर या HILTI RE 500। HILTI RE 500 होता है, वो रेड कलर का बॉक्स होता है, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा HILTI RE 500 और फिशर, तो उसको यूज़ करते हैं HILTI RE 500 और फिशर्स को यूज़ करके क्या करते हैं, बस पर ड्रिल करने के बाद इसके अंदर में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स जो आपने ड्रिल किया 8 इंच डाउन नीचे गए फुटिंग के, तो आपने जो ड्रिल किया तो डस्ट पार्टिकल्स है उसको आपको रिमूव करना है ब्लोअर से आपको रिमूव करने के बाद HILTI RE 500 इसके अंदर में आपको गन मशीन के थ्रू इंसर्ट करना है, और उसके बाद 10 डाया 12 डाया से ऐसे प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद इसको चारों साइड से बाइंड कर देना है, बाइंडिंग कर देना एज पर द ड्राइंग, जो ड्राइंग्स आपके पास है उस ड्राइंग के हिसाब से, और करने के बाद चारों साइड से इसमें शटर लगा देना है। और माइक्रो कंक्रीट का जो ग्रेड M40 होता है, M40 यूज़ करते हैं माइक्रो कंक्रीट। तो माइक्रो कंक्रीट से रिलेटेड किस तरीके से माइक्रो कंक्रीट मिक्स करते हैं, माइक्रो कंक्रीट कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए ऑलरेडी मैंने आपके लिए वीडियो बना रखा है, इससे पहले बना रखा है, तो वो आप उसमें देख लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि M40 ग्रेड माइक्रो कंक्रीट मिक्स करके उसके बाद इसके अंदर में लिक्विड टाइप का माइक्रो कंक्रीट पुट करते हैं, और पुट करने के बाद ये सारा सेट हो जाता है। ये तो हो गया आपका फाउंडेशन का। अब आपके कॉलम्स का, कॉलम्स की भी सेम कंडीशन है, ये कॉलम्स है, इस कॉलम्स के चारों साइड में 75 3 3 इंच छोड़ करके हम ड्रिल करते हैं, सेम प्रोसीजर जो फुटिंग किया है उसमें, ब्लो ड्रिल करने के बाद ब्लोअर से इसके अंदर डस्ट पार्टिकल निकालते हैं, सेम HILTI RE 500 फीचर्स यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद इसके अंदर में सरिया, जो भी जिस डाया का सरिया, 16 डाया का सरिया हो, 12 डाया का सरिया हो, 10 डाया का, जिस डाया का सरिया हो, सरिया इंसर्ट करते हैं, और आप साइड में वीडियो आप डिस्प्ले आप देख रहे होंगे, बाइंड के प्रॉपर बाइंड करते हैं, उसके बाद शटरिंग करके सेम माइक्रो कंक्रीट हम इसमें M40 ग्रेड का माइक्रो कंक्रीट हम यूज़ करते हैं। और इस जब जब शटरिंग करते हैं इस कॉलम्स की, तो इसके चारों साइड में कोई, क्योंकि माइक्रो कंक्रीट बहुत लिक्विडी, काफ़ी फ्लूइड टाइप होता है, तो आप कोशिश करेंगे कि POP के थ्रू जो शटरिंग का जो गैप है उसको फिल करते हैं, उसके बाद आप ऊपर से माइक्रो कंक्रीट निर्माण करेंगे तो रेडी। ये आपका कॉलम्स का हो गया, ये मैंने बताया कॉलम्स का। अब बीम्स में आइए, बीम्स में भी सेम प्रोसीजर है, बीम का जो प्रोसीजर है वो सेम है। बीम में भी हम क्या करते हैं, चारों साइड से इसमें ड्रिल करते हैं, ड्रिल करने के बाद सेम प्रोसीजर है, रिबारिंग करते हैं, जो जिस भी डाया का आपका है वो करके उसमें लैप दे करके, और उसके बाद हम इसके अंदर बीम का करते हैं। तो इस तरीके से हम रिपेयरिंग करते हैं। इसमें जो केमिकल यूज़ होता है वो केमिकल मैंने बताया आपको, HILTI RE 500 जो, और फिशर, दो तरह के केमिकल हैं जो केमिकल इसमें यूज़ होते हैं।
ये तो हो गया स्टील का। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एमएस प्लेट। एमएस प्लेट का भी सेम प्रोसेस, सिर्फ फर्क कितना है एमएस प्लेट में कि इसमें प्लेस करते हैं, आप प्लेस में वेल्डिंग होती है इसमें, ओनली सिर्फ वेल्डिंग होती है इसमें, कोई भी हिल्टी आर फाइंड फिशर वगैरह यूज़ नहीं करता इसमें। सिर्फ प्लेट को, जो एमएस प्लेट को और बेस प्लेट को हम कॉल, आप साइड में देख रहे होंगे, तस्वीर दिख रही होगी, वेल्ड करके, वेल्ड करने के बाद ज्वाइन करके प्रॉपर तरीके से वेल्ड करते हैं, वेल्ड करने के बाद इसको अटैच करते हैं और आपको स्ट्रेक्ट मिल जाती है। सेम प्रोसीजर इसका कॉलम्स में और बीम में भी सेम होता है। साइड में आप देख रहे होंगे बीम के अंदर में एक स्टील बारिंग की हुई है। तो ये आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, बहुत ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।